अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू स्ट्रॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं और तशरीह की तरफ, लेकिन मेरे चैनल पर नए हर आने वाले उनको चाहिए कि उनको सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पर पहुँचती रहे। तो अच्छा, बढ़ते हैं मज़ीद तशरीह की तरफ। और यहाँ तक तो तशरीह तो हो गई थी, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ तक तो हो गई थी आखिर हाजरात की टेरी, हाजरात जिनको भी कहते हैं, जन्नात को भी कहते हैं, और आखिर हाजरात की टेरी, टेरी मतलब ये नहीं उनको बुलाना पड़ा कि ये जन्नात आएंगे या हाजरात आएंगे तो फिर ये पता चल जाएगा कि ये चोर कौन है। छोटी बीबी आईने के सामने बिठाई गई, छोटी बीबी आईने के सामने बिठाई गई, जिन्हों के बादशाह ने उनसे चोर का हाल पूछा, जिन्हों का जो बादशाह था उसने जिन्हों से यानी इनसे चोर का हाल पूछा कि चोर कहाँ है। छोटी बीबी तो मेरी जान की दुश्मन थी, छोटी बीबी मेरी जान की दुश्मन थी मतलब यानी ये जान की दुश्मन थी मतलब पहले ही उन्होंने मेरा नाम ले दिया, यानी उसने मेरा नाम फौरन ले लिया कि ये वही है लड़का है, ये ग़ुलाम है, ये कोई और नहीं है, ये कोई और किसी और जगह से नहीं आया हुआ बल्कि यही ग़ुलाम है। किसी को यकीन ना आया, फिर किसी को यकीन ना आया, मगर बड़े सरकार कुछ खटक गए, यानी किसी को यकीन तो नहीं आया लेकिन बड़े सरकार जो थे वो खटक गए, मतलब उनको शक हुआ और उनके जहन में ये बात बैठ गई कि ये तो यही ग़ुलाम है, ये सारा यानी जो मसला है ये इसी ने बनाया हुआ है। शायद मेरे और मामा जी के ज़्यादा मेल जोल से उनको कुछ ख्याल कोई ख्याल पैदा हो गया, और मेरे और मामा जी के जो ज़्यादा मेल जोल थे, मेल जोल मतलब यानी ज़्यादा मिलना, मुलाकात करना, हम ज़्यादा मुलाकात करते थे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलते थे, तो उनको ये ख्याल पैदा हुआ, उनके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि यार इसमें कुछ दाल में कुछ खाला है, मतलब इन उनको पता चल गया था कि ये इन दोनों का कुछ ना कुछ यानी आपस में गठजोड़ है, कुछ ना कुछ आपस में इनके इतने ताल्लुक जो पैदा हो गए तो कुछ ना कुछ वजह है। मामा जी समझी, मामा जी जो थी वो समझ गई, चलो ये माल भी हजम हुआ, मामा जी समझ गई कि समझी चलो ये माल भी हजम हुआ, मसा हजम हुआ यानी ख़त्म हुआ, यानी किसी ने खाया। एक दिन मुझसे कहा, देखो बेटा अभी बेगम साहिबा बिटारी में कुछ चंपा कदी रख कर कोठे पर गई है, वो फिर क्या हुआ वो बात तो वहाँ तक ख़त्म हो गई। देखो बेटा अभी बेगम साहिबा बिटारी में मतलब ये नहीं फिटारी उसे कहते हैं जिसमें ये डमकने वाली टोकरी होती है या रोटी रखने वाली जो काम आती है, या वो लोग जो सपेरे होते हैं सांप रखने वाले वो भी उसमें सांप रखते हैं। तो चंपा कली मतलब यानी साहिबा बिटारी में चंपा कली रखकर कोठे के अंदर गई है, और ये गले के ज़ेवर है, चंपा कली गले के ज़ेवर है। इस वक्त दालान में इससे कोई भी नहीं, दालान में मतलब यानी सहन में ये कोई भी नहीं है, ज़रा चुपके से निकाल तो ना, यानी चुपके से चले जाओ और आहिस्ते चले जाओ और ये वहाँ से निकाल ले आओ, इतने लड्डू खिलाऊंगी मतलब यानी इतने ज़्यादा मिठाई खिलाऊंगी कि पेट भर जाएगा मतलब यानी आपका पेट भर जाएगा। बावर्ची खाने से निकल टहलते दालान में आए, वो ग़ुलाम तो पहले ही उनको पता चल चुका था कि ये लड्डू कितने खूबसूरत है, कितने अच्छे हैं, कितने मीठे हैं, लिहाजा वो बात पे फौरन अमल किया और बावर्ची खाने से निकल टिकलते टहलते मतलब यानी आहिस्ता आहिस्ता दालान में आए, सहन में आए, इधर उधर देखा, इधर भी देखा उधर भी देखा, मैदान साफ था यानी जगह बिल्कुल साफ थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ था ही नहीं या कोई इंसान वहाँ मौजूद था ही नहीं। पिठारी खोल और पिठारी जो थी वो खोल दी गई और चंपा कली यानी जो गले का जो जेवर था वो निकाल दिया गया। पिठारी यानी आपको पहले बताया गया कि वो टोकरी होती है जिसमें रोटी रखते हैं या सांप सपेर लोग जो होते हैं या उसमें सांप रखते हैं। चंपा कली निकाल नेफे में उड़स, नेफा किसे कहते हैं, नेफा असल में यानी वो जो क्या है एक कोट पतलून है, पतलून के अंदर यहाँ एक जेब होता है जो उस जेब को क्या कहते हैं उड़स, उड़स मतलब फौरन डाल देना यानी छुपा लेना, उड़स उसके अंदर फौरन यानी उस ग़ुलाम ने अपने उस जेब में डाल दिया। किस चीज़ को डाल दिया, बावर्ची खाने ने अम्मा जी के हवाले की, और जो मामा जी थी तो वो बावर्ची खाने में मौजूद थी, वहाँ उसके हवाले की, उन्होंने अपने खुशकी के रुकाबे में ठोस
यानी खुश्का उबले हुए चावल जो होते हैं, उबले हुए चावल की रकाबी में ठोस, मतलब रकाबी पोटली में बांध दी, और जो रकाबी थी तो पोटली में बांध ली। पोटली कैसे कहते हैं, ये छोटी सी गठरी या दाल आटे वाले वो जो उसको कहते हैं, तो उसके अंदर वो उसको रख लिया या उसके अंदर डाल दिया। बेगम साहब नीचे आई और बेगम साहबा जो थी वो नीचे आई, पिठारी खोल कर पान खाया मगर कुछ ना बोली, और पिठारी जो थी वो खोल कर पान खाया मगर कुछ ना बोली, यानी वो कुछ ना बोली, कुछ ना बोल सकी। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि थोड़ी देर में बड़े सरकार बीबी मौलानी और आया भी दालान में आ गए। थोड़ी देर बाद सरकार, बड़े सरकार यानी जो घर का जो मालिक था, बीबी मौलानी और आया भी दालान में आ गए, सहन में आ गए। खाना मंगवाया गया, सबने खा पी, फरागत की, सारे लोगों ने खाना खाया। बी मामा अपनी पोटली दिखा दरवाजे के बाहर निकल रही थी, और बी मामा जो थी वो अपनी जो थी वो जो दाल आटा जिसमें उसने रखा हुआ था या मामा के, तो वो बाहर निकल रही थी। ये लफ्ज़ क्या है, बाहर है, बाहर नहीं है, बाहर के मानी आउटसाइड यानी बिरूनी जगह, बिरू जगह, और बाहर के मानी रोशन यानी ज़ाहिर होना, बाहर के मानी ज़ाहिर होना और बाहर के मानी बिरू जगह आउटसाइड। कि एक गुल मचा मतलब ये शोर मच गया। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया, देखता हूँ कि मामा जी को एक सिपाही पकड़ खड़ा है, यानी देखता हूँ कि मामा जी को एक सिपाही बाहर खड़ा है, यानी सिपाही पकड़े खड़ा है, और मामा जी वो शोर मचा रही हैं, वो शोर मचा रही हैं, इतने ज़्यादा शोर मचा रही थी कि खुदा की बना, यानी खुदा की बना, घर वालों को भी ताने दे रही है, सिपाही को भी सलवाते सुना रही है, सिपाही को सलवाते मतलब गाजिया सुना रही थी। मुझे जो मामा जी ने देखा तो कहा, बेटा सर ये खाना तो ले जाकर मेरे घर में दे आ। यानी मामा जी ने जब मुझे देखा तो वो कहने लगी कि मामा के बेटा ये खाना असल में मेरी बेटी के घर ले जा, यानी ये पहुंचा दे, बच्ची भूखी बैठी होगी, बच्ची भूखी बैठी होगी, 12 बज चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ, असल में कुछ लोग वो ऐसे भी होते हैं कि वो अगर वो थोड़े पल्ला के अगर वो राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उनको कुछ दे रहे हैं तो उन वो थोड़े पे अगर राज़ी हो गए तो अल्लाह ताला उनको बहुत कुछ देंगे। ये सब्र कर लेना चाहिए, इंसान को सब्र कर लेना चाहिए। ये इसी तरह एक इंसान को अगर वो उनकी मेहनत जारी रहे तो उनकी मेहनत वो ज़ाया नहीं जाती है, लिहाजा इंसान ने मेहनत करनी चाहिए, इंसान को मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए, आपकी मेहनत का सिलाब को ज़रूर मिलेगा। 12 बच चुके हैं, ये देखिए इन काली वर्दों वालों से कब पीछा छूटता है, यानी काली वर्दे वाले ये जो पुलिस थे इनसे कब पीछे छोड़ता, मतलब ये इनसे मुझे निजात कब मिलेगी। खुदा ना करे कोई ऐसे घर में नौकर हो, ये न शरीफ को देखे न नजील को, और ये साथ साथ ये बातें ये भी कर रही थी कि ये ऐसे घर में नौकर हो, यानी मैं ऐसे घर में नौकर हो, ये रजील और शरीफ को नहीं देखते। शरीफ वो होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, और रजील वो जो कमीना होता है, और वो यानी क्या करते हैं तो वो किसी के सवाब को नहीं देखते या किसी के एहसानात को देख नहीं है, तो उसे रजील कहते हैं। तो ये ना शरीफ को देख के ना रजील को, घोड़े गद्दे को एक लाठी हांकते हैं, तो ये घोड़े गद्दे को मतलब एक ही लाठी हांकते हैं, मतलब एक जैसा सलूक करते हैं, चाहे वो घोड़ा हो चाहे गद्दा हो, तो घोड़े और गद्दे में फ़र्क है। तो इसलिए ये कह रही थी कि ये तो इसमें यानी कुछ सलूक जिस तरह कर रहे हैं तो ये एक ही साथ यानी इस तरह का सलूक मेरे साथ कर रहे हैं, मतलब इसका ये है कि कमीने और शरीफ के साथ, यानी मैं शरीफ हूँ और ये कमीनों के साथ ऐसा काम करना चाहिए था, लेकिन मैं तो शरीफ हूँ, मैं मामा जी मैं शरीफ हूँ, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, पुलिस को बुलाना नहीं चाहिए था। और कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सारे पैसे वो ले जाते हैं, और इसी तरह यहाँ से यानी कि इन्होंने मतलब यानी बहुत सारी चीज़ें ये ले गई थी अपने घर, और सारा सामान यानी मतलब ये तो शादी हो रही थी, ये सारे सामान वगैरह ये जहेज़ का सामान ये इसलिए वो ले जा रही थी ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके जमा कर करके वो अपने घर में अपनी बेटी को दे दे ताकि उनकी शादी कराएं। तो इसी वजह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ज़्यादा अगर अमीर हो तो उनको ऐसे करनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ यानी जो घर में उनके अंदर उनके घर में काम कर रही होती हैं जो वो होती हैं तो उनको कुछ ना कुछ पैसे देने चाहिए ताकि वो अपनी बेटियों की शादी करा दें, और इस तरह करना चाहिए। लेकिन ये आजकल इंसान पता नहीं ऐसा काम नहीं कर रहे, बहरहाल इंसान के काम आना चाहिए। और ये तशरीह यहाँ तक तो हो गई है, इंशाल्लाह आइंदा भी तशरीह अपलोड करता जाऊँगा, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।